अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के गांव भिकावाला जंगल में गुलदार ने खेत पर काम कर रहे पूर्व सैनिक पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पूर्व सैनिक व गुलदार के संघर्ष में गुलदार की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल पूर्व सैनिक को परिजनों ने काशीपुर निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। वहीं वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है। बुधवार को देर शाम 5:30 बजे कोतवाली क्षेत्र के गाँव भिक्कावाला के जंगल में पूर्व सैनिक टेकबीर सिंह उम्र 60 वर्ष के खेतों में खड़ी धान की फसल की कटाई हो रही थी कि अचानक खेत के पास स्थित एक नाले में उगी झाड़ियों से निकले गुलदार ने अचानक पूर्व सैनिक टैगबीर सिंह पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से पूर्व सैनिक नीचे जमीन पर गिर गया और गुलदार का सामना करने लगा। पूर्व सैनिक के शोर मचाने पर आसपास खेतों में काम कर रहे हैं किसानों ने लाठी डंडों से बामुश्किल गुलदार के चुंगल से पूर्व सैनिक को छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन गुलदार ने पूर्व सैनिक को घसीटने शुरू कर दिया, जिस पर पूर्व सैनिक लगातार गुलदार से 5 मिनट तक संघर्ष करता अकेला दिखाई दिया और किसानों ने गुलदार से बहुमुश्किल पूर्व सैनिक को बचा लिया। पूर्व सैनिक गुलदार के आपसी संघर्ष में गुलदार के मौके पर मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल पूर्व सैनिक को उसके परिजनों द्वारा काशीपुर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। वहीं टैगबीर सिंह नेगी थल सेना में रिटायर्ड फौजी थे, जो रिटायर्ड होकर गाँव भिक्कावाला में अपने खेतों पर किसानी कर रहे थे। मौके पर पहुंचे वन विभाग के वन दरोगा सुनील कुमार राजोरा ने बताया कि मृतक गुलदार नरा माधक की उम्र 4 से 5 साल बताई जा रही है। घटना के बारे में ग्रामीणों ने जानकारी लेकर मामले की जांच शुरू कर गुलदार के शव को कब्जे में ले लिया। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ शुएब कुरैशी, अफजलगढ़। ये जो है लगभग 5:30 बजे की बात है, ये गुलदार जो है वो उस भिक्कावाला और बनने वाला नाला बोलते हैं उसको, वहाँ पर इसने जो है एक हमारे टेकबीर सिंह नेगी के को जो है घात लगाकर उस पर अटैक किया और उसके बाद जो है जो भी है उनको बचाव के लिए लोगों ने उस पर जो है उसे बचाया है। उस गुलदार को जो भी अटैक मतलब उसे अटैक किया उन्होंने वार किया है उसे वो डेथ हो गई। लेकिन हम ये कहते हैं वन विभाग से हमारे एक ही रिक्वेस्ट है, न तो उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा किसी भी प्रकार से हमें न कोई सुरक्षा मिल रही है, न किसी प्रकार से हमें कोई मुआवजा मिल रहा है, न किसी प्रकार से क्षेत्र को कोई प्रोटेक्शन। हमारा ये रोना है सब क्षेत्र का हमारा कि वे हमें इनसे जो है निजात पाई जाए। यहाँ पे विभाग जो है यहाँ पे चौकी लगाए, अपनी गश्त करें और हमें जो है सुरक्षा पता, ये हमारा सभी का है। और ये आज जो हादसा हुआ है, ये जो हादसा हुआ है ये 1 बजे भी हुआ है और अभी शाम को 5:30 बजे हुआ है, किसी के साथ हो सकता है, आगे भी हो सकता है। तो मैं ये कहूँगा आपके मीडिया के द्वारा कि आप जो है प्रशासन को बताएं कि किसी प्रकार से क्षेत्र हमारा इस्लाम नगर का भिक्कावाला ग्राम है, ये कार्बेट नेशनल पार्क के सीमा पर लगा हुआ है और इसमें जो है हमें क्षेत्र को सुरक्षा मिलनी चाहिए। विभाग द्वारा यहाँ पर चौकी बनाई जाए और गश्त लगाई जाए, हमारा सुरक्षा प्रदान। क्या आप भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का सोच रहे हैं? तो राज ऑटोमोबाइल्स नजीबाबाद आपके लिए लाए हैं एकदम धमाकेदार ऑफर, केवल 39,500 में 1 साल की वारंटी के साथ, जो एक चार्जिंग में 60 किलोमीटर चलती है। बुकिंग ऑफर 25 जुलाई से 25 अगस्त तक रहेगा, डिलीवरी 4 सितंबर से शुरू हो जाएगी जो कि दिवाली तक रहेगी। ये ऑफर केवल 100 स्कूटर की बुकिंग पर होगा। अगर आपको भी कम दाम में मजबूत स्कूटर चाहिए तो आज ही बुकिंग करें। कॉल करें 7078820077। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।